राजधानी दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली सनसनीखेज घटना सामने आई है। एक जूता फैक्ट्री के मैनेजर ने नाबालिग लड़की के साथ पत्नी के सामने रेप की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद उसे जहरीला पदार्थ पिलाकर छोड़ दिया। नाबालिग की हालत बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया। जब पीड़िता की हालत में सुधार हुआ तो पुलिस ने उसके बयान दर्ज किए। बयानों के आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसकी पत्नी फरार है। जानकारी के अनुसार यह घटना दिल्ली के नांगलोई इलाके की है। पुलिस के मुताबिक 15 जुलाई को PCR पर एक शख्स ने कॉल कर सूचना दी थी कि उसकी बहन के साथ रेप हुआ है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि पीड़िता एम्स अस्पताल में भर्ती है और वह बयान देने की हालत में नहीं है। इसके बाद उसे 16 जुलाई को होश आया। होश में आने के बाद पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह एक जूते की फैक्ट्री में काम करती है। फैक्ट्री के मैनेजर जयप्रकाश ने 2 जुलाई को उससे कहा था कि उसकी पत्नी बीमार है, इसलिए वह उसके घर चले। जब नाबालिग पीड़िता उसके घर पहुंची तो जयप्रकाश ने अपनी पत्नी के सामने उसके साथ रेप किया। वारदात को अंजाम देने के बाद जयप्रकाश ने पीड़िता को जहरीला पदार्थ पिलाकर उसके घर छोड़ दिया। पीड़िता जैसे ही अपने घर पहुंची तो वह बेहोश हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।